बीते समय में बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री, मॉडल और फैशन डिजाइनर रही अंजू महेंद्र का जन्म 11 जनवरी 1946 को हुआ था। अभिनेत्री ने साल 1967 में फिल्म उसकी कहानी से बॉलीवुड में कदम रखा था। अंजू ने फिल्मों के साथ साथ टेलीविजन में भी अभिनय किया है, लेकिन अंजू बॉलीवुड जगत के मशहूर अभिनेता राजेश खन्ना के साथ अफेयर के कारण ज्यादा चर्चा में रही थी। दोनों लगभग 7 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे थे। अंजू बहुत खुले विचारों की और जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना पसंद करती थी। हम सभी जानते हैं कि राजेश खन्ना एक बड़े कलाकार थे, उन पर लड़कियां खूब मरती थी, लेकिन अंजू महेंद्र उनके बेहद करीब थी। राजेश खन्ना और अंजू महेंद्र का रिश्ता बहुत गहरा था। कहते हैं कि अंजू राजेश खन्ना की सारी बातें माना करती थी। जानकारी के मुताबिक राजेश खन्ना ने अंजू को एक आलीशान बंगला भी खरीद कर तोहफे में दिया था। अभिनेत्री उस दौरान मॉडलिंग में स्ट्रगल कर रही थी। वे राजेश खन्ना की बचपन की दोस्त थी, जिसके बाद दोनों लंबे वक्त तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे थे। बताया जाता है कि राजेश खन्ना ने अंजू को शादी के लिए प्रपोज किया था, तब उन्होंने इस प्रपोजल को ठुकरा दिया था, जिस कारण राजेश खन्ना अंजू से बेहद नाराज हुए थे। इसके बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए। राजेश खन्ना के साथ रिश्ता खत्म होने के बाद अंजू ने इंटरव्यू में बताया था कि अभिनेता रूढ़िवादी सोच के व्यक्ति थे। अंजू ने यह भी बताया कि राजेश उन्हें काम करने देना नहीं चाहते थे। अंजू के साथ ब्रेकअप के बाद राजेश खन्ना ने अपने से 16 साल छोटी अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया से शादी कर ली थी। बताया जाता है कि जिस दौरान राजेश खन्ना अपनी बारात लेकर बांद्रा से जुहू जा रहे थे, तभी उन्होंने उसका रास्ता बदल कर जानबूझकर अंजू महेंद्र के घर के सामने से लेकर गए थे। इसके बाद अंजू का अफेयर वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर गौरी सोबर्स के साथ चला। दोनों की सगाई भी हो गई थी, लेकिन उन्होंने शादी नहीं की। दरअसल दोनों के बीच किसी बात को लेकर नोकझोंक हो गई और उसके बाद अंजू ने सगाई तोड़ दी। अंजू एक इंटरव्यू में बताती हैं कि उन्होंने राजेश खन्ना के घर से ही गौरी को फोन करके सगाई तोड़ दी थी। हालांकि इसके बाद अंजू महेंद्र अभिनेता अमजद खान के भाई इम्तियाज से शादी कर ली थी। बताया जाता है कि ब्रेकअप के बाद लगभग 17 साल तक दोनों की बातचीत नहीं हुई थी। हालांकि इसके बाद कुछ मौकों पर बातचीत शुरू हुई थी। साल 2012 में अंजू खन्ना की मौत के वक्त अंजू उनके अंतिम संस्कार में पहुंची थी। अंजू कई मौकों पर राजेश खन्ना के परिवार के साथ देखा जा चुका है। अंजू ने अपने एक्टिंग करियर में फिल्मों और सीरियल्स में काम किया। उन्होंने हमारी बेटियों का विवाह, गीत हुई सबसे पराई, 1000 में मेरी बहना है, ये मोहम्मद जैसी तमाम सीरियल्स में काम किया है। इसके अलावा उनकी फिल्मों की बात की जाए तो वो कभी ये कभी वो, खून बहा गंगा में, हम तो चले परदेश, विजय, प्यास गंगा की सौगंध, प्रेम शास्त्र जैसी कई फिल्में की हैं। अंजू का सबसे चर्चित अफेयर सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ था। दोनों तकरीबन 7 साल तक रिलेशनशिप में रहे, लेकिन इनका फिर ब्रेकअप हो गया। 1967 की बात है, अंजू तब स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी, जबकि राजेश खन्ना सुपरस्टार बन चुके थे। दोनों की मुलाकात हुई, जल्द ही उन दोनों का प्यार में बदल गई दोस्ती। अंजू समर्पित गर्लफ्रेंड के रूप में राजेश खन्ना की हर बात मानती, वही राजेश खन्ना उन पर जान छिड़कती और उन पर अपनी कमाई लुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। उन्होंने अंजू के लिए एक आलीशान बंगला भी खरीद कर दिया था। राजेश खन्ना अंजू के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर सीरियस थे। काफी साल लिव इन में रहने के बाद साल 1971 में काका ने अंजू को शादी के लिए प्रपोज किया। अंजू की माँ भी बेटी पर लगातार दबाव बना रही थी कि वह राजेश खन्ना से ही शादी कर लें, लेकिन वो नहीं मानी। अंजू के बार बार इनकार से राजेश खन्ना को गुस्सा आ गया। इस बीच अंजू का नाम वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर गैरी सॉबर्स के साथ जुड़ने लगा। ये बात राजेश खन्ना को बिल्कुल भी राज नहीं आई। उन्होंने साल 1972 में अंजू से रिश्ता तोड़ लिया। ब्रेकअप के बाद एक इंटरव्यू में राजेश खन्ना ने रूढ़िवादी इंसान का करार दिया गया था। उन्होंने कहा था कि कन्फ्यूजन उनके रिलेशनशिप का हिस्सा थी। अगर वो स्कर्ट पहनती थी तो राजेश खन्ना को ये राज नहीं आता था। अगर वो साड़ी पहन लेती थी तो भी वो कहते थे कि क्या भारतीय नारी का लुक बना रखा है। अंजू ने यह भी कहा था कि राजेश खन्ना उन्हें काम करने देना नहीं चाहते थे और उसकी वजह से उन्हें कई मॉडलिंग अनाउंसमेंट भी छोड़ने पड़े थे, जबकि उन्हें डबल पैसा दिया जा रहा था। इसके अलावा उन्हें कई फिल्मों से भी हाथ धोना पड़ गया था, क्योंकि राजेश खन्ना कई निर्माताओं और निर्देशकों को उनके पास भटकने तक देना नहीं चाहते थे। अंजू से ब्रेकअप के 1 साल के बाद ही राजेश खन्ना ने 15 साल छोटी डिंपल कपाड़िया से ही शादी कर ली। कहा जाता है कि राजेश खन्ना अंजू से इस कदर गुस्सा थे कि वे अपनी शादी के दौरान
वे जानबूझकर अंजू के घर के सामने से बारात ले गए और काफी देर तक वहां रुके रहे ताकि वे उन्हें जला सकें। ब्रेकअप के बाद दोनों के बीच तकरीबन 17 साल तक बातचीत नहीं हुई थी। 1988 में उनकी कुछ मौकों पर बातचीत होना शुरू हुई और 2012 में जब राजेश खन्ना की मौत हुई तो अंजू अंतिम संस्कार के समय मौजूद थी। अंजू महेंद्र अभिनेता ने अमजद खान के भाई इम्तियाज से शादी की थी। वो रंगमंच से जुड़े व्यक्ति थे। हालांकि अंजू महेंद्र के आज के बारे में बात की जाए तो आपको बता दें ये अभिनेत्री 78 साल की हो चुकी हैं और पहले के मुताबिक कुछ ऐसी नजर आती हैं, जैसे कि आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।